पूर्णिया के वार्ड नंबर 26 के छठ पोखर के समीप समाजसेवी अली खान ने रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया, किंतु रक्तदान शिविर को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ लोगों ने इसमें आगजनी कर दी थी। इसके बावजूद भी रक्तदान शिविर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और युवाओं ने बढ़ चढ़ कर रक्तदान में हिस्सा लिया। इस संदर्भ में अली खान ने कहा कि रक्तदान करना साधारण लोगों का काम नहीं है, इसके लिए दानवीर बनना पड़ता है और कुछ लोगों ने भले ही इस रक्तदान शिविर को डिस्टर्ब कर सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, किंतु उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और बड़ी संख्या में युवा रक्तदान कर रहे हैं। रक्तदान शिविर बहुत अच्छा चल रहा है, लगभग 3 मेडिकल टीम यहाँ पर मौजूद है। एक तो रेड क्रॉस की टीम है, दूसरी टीम यहाँ पर जो है किरण की है और तीसरी टीम सदर अस्पताल की है। लगभग अभी तक में लगभग 24-25 यूनिट ब्लड जा चुका है, क्योंकि आज फ्राइडे भी है, नमाज की वजह से थोड़ा स्लो है और फिर इसके बाद जो है गति पकड़ेगा और जो तकरीबन जो हम लोगों का टारगेट है 70 से 100 हम लोग अचीव करने का पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, आप लोगों ने सब देखा है, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हम लोगों का अचीवमेंट है उसको अचीव करें। उनकी जो भी लोगों की मंशा थी इस तरह का डिस्टर्ब करने का, ये तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और रक्तदान वही लोग करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, वीर करते हैं रक्तदान, कायर नहीं लेते, इसमें देते हैं अपना योगदान। तो कायर लोग रक्तदान को करने के लिए या रक्तदान की निंदा करते हैं या पैर हाथ घिसते हैं, जो वीर लोग होते हैं वो रक्तदान करते हैं। उनका असर तो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा लेकिन मिला जुला असर तो होगा, क्योंकि जो टारगेट थी 100 प्लस जाने की, हम लोग पूरी प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग वहां तक पहुंचने में कामयाब हों। वहीं इस दरमियान डॉक्टर के चौधरी ने भी रक्तदान शिविर की जमकर तारीफ की और कहा कि रक्तदान करने से रक्त देने वालों को भरपूर लाभ मिलता है, शरीर में नए नए सेल बनते हैं और लोग इससे न केवल अपने आप को स्वस्थ रखते हैं बल्कि दूसरों की भी जान बचाकर महादान में हिस्सा ले सकते हैं। अच्छा चल रहा है और नसीमा एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट, जिनके कर्ता धर्ता सरफराज भाई हैं जो आजकल मिडिल ईस्ट में रहते हैं, मगर समाज की सेवा की भावना से वो देश से बाहर रहकर भी अपने देशवासियों को वक्त के दिनों में ज़रूरत के समय मदद करना चाहते हैं और उनका एक ही चीज़ कहना है कि रुकती धड़कनों में डालें जान, आओ हम करें रक्तदान रक्तदान। और इस उद्देश्य के तहत आज सरफराज भाई के जन्मदिन और उसकी माँ की पुण्यतिथि के अवसर पर ये रक्तदान आयोजित है और इस मौके पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी पूर्णिया की टीम, जिसका मैं प्रभारी हूँ डॉक्टर के चौधरी, और फिर रेड क्रॉस की टीम आई है और फिर किरण ब्लड बैंक उसके लोग आए हैं और सारे लोग अभी मेरे नेतृत्व में मेरी देखरेख में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 20 से अधिक रक्तदान हो चुके हैं और ये प्रक्रिया 5 बजे तक जारी रहेगी। मैं चाहूँगा कि जो हमारा देश युवा है, जिसकी 65% आबादी युवा है और यहाँ भी जो रक्तदाता हैं वो ज़्यादा युवा की संख्या में आए हैं, रक्तदान देने से नए ब्लड सेल्स का निर्माण होता है, शरीर के जो आलस्य हैं छोटी मोटी और जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाती है, क्योंकि नए सिरे से जब रक्त निर्माण होता है तो सारे सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए मैं युवाओं से इस रक्तदान शिविर के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि वो आगे बढ़कर आएँ, समाज की सेवा करने वाले, राष्ट्र की सेवा करने वाले, गरीब बेवा जो हैं, दलित मजदूर किसान, ऐसे लोग जिनको जब भी ज़रूरत हो, ये राष्ट्र की सीमा पर जो देश के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए जब ज़रूरत की मुताबिक ब्लड की ज़रूरत हो तो हम रक्त के अभाव में किसी वीर सैनिक को, किसी वीर पुरुष को, किसी भारतीय को मरने न दें। इसलिए रक्तदान महादान है, बहुत पुण्य का काम है। इशारे में वर्तमान वार्ड पार्षद पुत्र राजू मिश्रा को आगजनी के लिए आरोपी ठहराया गया था, जिस पर जवाब देते हुए राजीव मिश्रा ने कहा कि वे किसी भी कीमत पर ऐसी घटिया काम नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पर किसी तीसरे व्यक्ति ने ऐसी घटना की है जिसका वे खुद विरोध करते हैं। वहीं डॉक्टर के चौधरी ने भी कहा कि इस तरह की घटना निंदनीय है और यह निश्चित रूप से किसी नशेड़ी के द्वारा किया गया होगा, किंतु रक्तदान वीरों के हौसले में कोई कमी होने वाली नहीं है। अली खान सर जो है वो इलेक्शन से पहले भी मेरे ऊपर आरोप लगाए थे और वो बराबर मेरे ऊपर आरोप लगाते ही रहते हैं। अब मेरी माँ इलेक्शन में जीतना, जनता 6500 जनता का सेवक होना क्या कोई गुनाह है? मेरी माँ जो
इलेक्शन जीती उनको पच नहीं रहा है, जिस कारण से वो पहले भी आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर में जो कि सिद्ध नहीं हुआ, और अभी भी आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर में। और जब रक्तदान शिविर का आयोजन छठ पोखर सामुदायिक भवन में हो रहा है तो वहाँ पे मैं रसगुल्ला सेब रक्तवीरों के लिए मंगाया गया था, और मैं गया वहाँ पे, मैं अली खान साहब से पूछा कि जब रक्तदान का यहाँ आयोजन कर रहे हैं माँ के पुण्यतिथि पर तो मैं भी इसमें कुछ भाग लूँ, तो वो अपना क्रेडिट लेने के लिए हमको वहाँ पे इग्नोर किया, मुझे मेरे साथ में गलत तरह का व्यवहार किया, और मैं ऐसा क्यों करूंगा ये पहले बताइए। तो रक्तवीरों को मिठाई रसगुल्ला खिलाने के लिए बोला कि आपको नहीं करने देंगे, हम जब यहाँ करने तो आप कौन होते। ठीक है, कोई बात नहीं है, हम तो एक समाज से भी हैं और मेरी माँ वार्ड पार्षद, मैं तो वार्ड पार्षद हूँ नहीं, क्या मुझे रसगुल्ला रक्तवीरों को खिलाना गुनाह है? ये ओछी राजनीति अली खान साहब बराबर करते रहते हैं, वो अपने बयानबाजी पे गलत तरह से बयानबाजी करते हैं, नहीं तो हम मानहानि का केस उनके ऊपर करेंगे। उनके माँ का पुण्यतिथि है तो वो तो सोचेंगे कि अपने ऊपर क्रेडिट ले, हम लोग को क्यों उसमें रहने देगा वो, क्योंकि वो अपना क्रेडिट लेने के लिए हम लोग को वहां से साइड कर रहे हैं। वो इलेक्शन जो है वो जो हार गए ना उनको पच नहीं रहा है, जिस कारण से वो ओछी राजनीति कर रहे हैं, इसमें क्या जीतना क्या गुना है? अगर जनता 6500 जनता का मेरी माँ नौकर है, सेवक है, तो माँ सेवक है तो हम लोग, हम तो समाज से भी हैं, तो हम तो देख सकते हैं ना, समाज से भी तो सब जगह जाके देख सकता है कहाँ क्या हो रहा है। अगर मदद करना है हमको तो मदद करने में कोई क्यों रोकेगा ये पहले बताइए। खान साहब से कोई बहस नहीं हुआ, वो खुद हमसे बहस किए, और आग जो है वो अपने आदमी के द्वारा लगवा के राजीव मिश्रा को षड्यंत्र के तहत बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, ये बार बार मुझे बदनाम कर रहा है, और वो अपने आप पे थोड़ा सा हार अगर गए हैं वो अपने आप पे काबू लाए और गलत तरह का राजनीतिक और ओछी राजनीतिक नहीं करे। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मैं बहुत दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बहुत सारे लोग जिस कारण से भी हो गलत लत के शिकार हैं, डेंड्राइट और वगैरह तरह तरह की दवाइयाँ लेते हैं, तो कुछ लोगों का यहाँ अखाड़ा बनता है, हो सकता है जाने अनजाने में ऐसा कुछ हुआ हो, मैं इस विषय पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं पॉजिटिविटी का आदमी हूँ और मैं बताना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से अच्छा काम कभी नहीं रुकता है। देश के लिए मर मिटने वाले चंद लोग ही होते हैं, बहुत कम लोग सुभाष चंद्र बोस होते हैं, भगत सिंह होते हैं, आज़ाद होते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल लाहड़ी होते हैं, इसलिए देश के करने करणधार जो युवक हैं वो लोग चाहे कितना भी व्यवधान आए वो इसको आगे बढ़ाएंगे। और मैंने यहाँ के युवाओं से कहा है कि इससे नहीं घबराना है, तू थक के न बैठ, उड़ान अभी बाकी है, तूने मापी है मुट्ठी भर जमीन, आसमान अभी बाकी है। डॉक्टर श्रीमती निफा भारद्वाज सुप्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए होम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री शिशु पेट बात चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर निफा भारद्वाज, पक्की तालाब दुर्गा मंदिर के पीछे पूर्णिया, कॉन्टेक्ट नंबर 7547825718, डॉक्टर निभा भारद्वाज। माँ पंचादेवी हॉस्पिटल डॉक्टर ए के गुप्ता द्वारा बिहार के प्राइवेट सेक्टर का पहला फाइब्रो स्कैन मशीन इकोसेंस द्वारा फैटी लिवर की जांच के लिए पूर्णिया में पहली बार लेजर मशीन द्वारा फाइल्स फिसर्स फेस्टुला का ऑपरेशन, स्टेपलर द्वारा सर्कमसीजन का ऑपरेशन, बिल्कुल सरल तरीका, बेहतर सेवा। हमारा पता NS31 लाइन बाजार पूर्णिया। किसी भी तरह की जानकारी के लिए डायल करें 9934677891। माँ पंचादेवी हॉस्पिटल।